नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे ऑरेंज यानी संतरे के माध्यम से साबुन बनाना। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए अब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के चिन्ह को दबा दीजिए ताकि वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, संतरे की साबुन बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होगी संतरा यानी ऑरेंज की, और अब हम आवश्यकता होगी सोप बेस की। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सोप बेस है। और अब हमें आवश्यकता होगी विटामिन ई के कैप्सूल की, और ये देख लीजिए रोज़ वाटर की भी आवश्यकता होगी क्योंकि ये भी स्किन के लिए कच्चा होता है। और ये है ग्लिसरीन, ये भी हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। और ये है मेरे पास ऑरेंज कलर, क्योंकि संतरे की साबुन बना रहे हैं तो ऑरेंज कलर डालना ज़रूरी होगा ताकि हमारी साबुन अच्छी दिखे। और ये कुछ मॉल्ट है जो साबुन जमाएंगे इसके लिए, आइसक्रीम के खाली कटोरियाँ। तो अब हमें संतरे को ऊपर के छिलकों को बाहर निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं ये संतरे के ऊपर के जो बचते छिलके, इन्हें बाहर निकाल लिया है मैंने, और इसे ग्राइंडर में अच्छी तरह पीस लेना है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार मैंने जार में डाल लिया है, और इस जार में हमें अच्छी तरह पीस लेना है। और अब हमें आवश्यकता होगी सोप बेस की, तो हमें जितनी आवश्यकता होगी उस हिसाब से हम अपना सोप बेस काट लेंगे। मतलब आपको जितनी साबुन बनानी है उस हिसाब से आपको सोप बेस ले लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इतना सोप बेस लिया है, और ये एकदम सॉफ्ट सोप बेस है, एकदम बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, ये आसानी से पिघल जाता है। अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं। अब हमें एक स्टील के पात्र में इसे डाल लेना ताकि जिसमें हम मेल्ट कर सके। तो अब हमें एक कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई में पानी डाल देना, और डबल बॉयलर के विधि के माध्यम से आज हम इस सोप बेस को मेल्ट करेंगे, जैसा कि हमारे हर वीडियो में आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार थोड़ा पानी गर्म होने के बाद एक कटोरी में हमें पानी ले लेना है। पानी में कटोरी में इसलिए ले रहा हूँ ताकि इसमें जो कलर है हमारा आसानी से घुल सके। तो आप देख सकते हैं ये कलर है, ये कलर कौन सा कलर है मैं आपको बता देता हूँ। ये फूड कलर है जो हम खाने में डालते हैं, ये वो कलर है। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप इसका यूज़ ले सकते हैं। अगर आपको स्पेशली इस साबुन का कलर चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार अब हमें जिस पात्र में हमने सोप बेस के टुकड़े लिए हैं उस पात्र को गर्म, जो हम कढ़ाई में गर्म कर रहे हैं पानी, उसमें रख देना और अच्छे से गर्म कर लेना है। तो आप देख सकते हैं सोप बेस हमारा मेल्ट हो चुका है, इसे नीचे उतार लेना है। और अब हम जो अब अपने संतरे के इस छिलकों को हमने जार में पीसा था, इस प्रकार हमें आवश्यकता के अनुसार इस पात्र में डाल देना है जिसमें हमने सोप बेस को मेल्ट किया। तो इस प्रकार मैंने 1 से 2 चम्मच इसमें डाल दिया है, तो आप समझ सकते हैं मैंने 2 चम्मच और डाले, यानी कि टोटल 4 चम्मच डाले हैं मैंने। आप आवश्यकता के अनुसार इसमें डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें थोड़ा सा कलर यूज़ लूँगा ताकि इसमें एक ऑरेंज सा कलर आ सके और हमारी साबुन का कलर भी अच्छा दिख सके। तो आप अब देख सकते हैं मैं इसमें ग्लिसरीन भी ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ग्लिसरीन हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये हमारी त्वचा को मॉइस्चराइज करता है। और यह है रोज़ वाटर, यह भी हमारे चेहरे के लिए बहुत ही अच्छा होता है, यह अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, एक स्मूथ स्किन प्रदान करेगा। तो अब आप देख सकते हैं यह है विटामिन ई का कैप्सूल, ये भी हमारी त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो इसे भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। मैं टोटल 2 कैप्सूल इसमें ऐड कर रहा हूँ। यह आपको ख़रीदना है तो किसी भी मेडिकल स्टोर में अवेलेबल हो जाएगा। अब हम जिस कढ़ाई में पानी गर्म किए थे उस पर थोड़ा वापस रख कर इसे मेल्ट कर लेना है ताकि हमारा सोप बेस अच्छे से वापस मेल्ट हो सके, और हम जिस मोल्ड में इसे जमाना चाहते हैं उसमें हम आसानी से जमा सके। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार मैंने आइसक्रीम की खाली कटोरी ली है, और उसमें हम अब इस सोप बेस को जो हमने ये साबुन बना रहे इसे डाल देंगे एक एक करके। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं मैं चारों कटोरियों में एक अनुपात में डाल रहा हूँ इस साबुन को। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार की कुछ हमारी साबुन दिखाई दे रही है, और इसे अब हमें सावधानी किसी ठंडे स्थान पर रख देना सावधानपूर्वक, क्योंकि ये जमने को इसको टाइम लगेगा, लगभग 30 मिनट में ये जमकर तैयार हो जाएगी। अगर आपके पास फ्रिज है तो आप उसमें भी रख सकते हैं। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं हमारी साबुन कुछ इस प्रकार जम चुकी है, तो इसे सावधानीपूर्वक हम बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने में भी बहुत ही आसानी होगी,
ज़्यादा कोई कठिन नहीं है इसे बाहर निकालना भी। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार मैं एक एक करके चारों साबुन को बाहर निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं साबुन बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है। साबुन दिखने में भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रही है और जो हमारे ऑरेंज के छिलके थे वो भी इसमें एक अच्छे से नज़र आ रहे हैं। तो आप इसे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की साबुन बनी है, बहुत ही अच्छी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।